सो गाइस, यह है 10,000 रुपये वाला सोलो टूर्नामेंट। इसमें वही है टॉप 6 को प्राइस पूल है और भाई एमवीपी वाले को अलग है। शेल्टर उतर चुका हूँ भाई, हवा में देखा तो कोई भी नहीं दिखा था यहाँ पे बंदा। बट जैसे शेल्टर अंदर लूट रहा हूँ भाई, आते हैं मुझे फुटस्टेप। एक तो अभी फुटस्टेप आया, थोड़ी देर के बाद बंदा अंदर आता है, तो वो सामने से तो नहीं आएगा यहाँ पे, आगे बताऊँगा मैं। तो इस बंदे को हम देते हैं नाम प्लेयर 1, ठीक है, क्योंकि भाई काफ़ी बंदे आएगा यहाँ पे, बताता हूँ आगे। तो प्लेयर 1 यहाँ पे सामने तक आ चुका है। तो वैसे एक नेट कुक करता हूँ और फुल कोको के फेंक दिया था, मुझे नहीं मालूम था कि भाई वो बंदा यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन मैं राइट करता और डैमेज अगर और ज़्यादा होता उस बंदे को तो मैं पुश करता। तो अभी तो कुछ भी नहीं है भाई, ना फ्लैश वगैरह, जी फ्लैश करूँ फिर जाऊँ, तो इसको करते इग्नोर, अपन जाते हैं पीछे, ठीक है। तो प्लेयर 1 को छोड़ दिया वहाँ पर भाई। जब यहाँ पे आता हूँ एक और फुटस्टेप आता है, ठीक है, तो वो उसको देते हैं प्लेयर 2। बट ये बाइक वाला बंदा है, इसको देते हैं प्लेयर 3, ठीक है। ये अंदर आ रहा है, तो प्लेयर 3 को ख़त्म कर दिया है। बट जो प्लेयर 1 है, प्लेयर 2 अभी भी यहीं पे है, तो उसका देखते हैं आगे होता क्या है। ये भी बाइक लेके बंदा लूटने आया था, और ये भाई जोन के लिए रोटेशन दे रहा है। आपको स्टार्टिंग में जोन दिखाया होगा भाई, ब्रिज वाला जोन है, तो काफ़ी बंदे ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं स्टार्टिंग में। बट यहाँ पे लूट नहीं थी मेरे पास, और जो आपको सामने दिखाया ना वो था प्लेयर 1, जो मैंने स्प्रे दी ना तो वापस आ जाता है वहाँ पे। और ये देखो प्रोन है मस्त। अरे अरे, और यहाँ पे देखो भाई एमओ क्या है, मतलब लूट बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि भाई अगर इधर ही सारा एमओ ख़त्म कर दूंगा तो भाई आगे करूँगा क्या, जब मुंह पे कोई बंदा आ जाएगा। UMP भाई बिल्कुल इतनी एमओ है। तो बाइक उठाता हूँ इस बंदे का, निकल लेता हूँ। और जो भाई प्लेयर 2 था उसका भी ध्यान रखना, ठीक है आपको। तो जो प्लेयर 1 है भाई मेरे पे स्प्रे ले रहा है, ठीक है, यहाँ पर ले रहा है। और जो भाई प्लेयर 2 था उसने उस VSS से उस बंदे को लपेट लिया, तो मतलब ख़त्म। 2-4 बंदे आए थे, 2 ख़त्म, एक उधर से निकल गया, एक मैं यहाँ पे हूँ। और ये देखो भाई कंपाउंड के सामने से जा रहा था मैं, मैंने दूर से रोटेशन नहीं ली, मैंने दूर से देख ली थी बंदे को, अगर भाई दूर से लेता तो फिर लपेट भी सकता था। वो आता है भाई मेरे को देखने के लिए, हूँ कहाँ पे मैं, ये गाड़ी वाला बंदा जिसने मेरे को डैमेज दिया। इस बंदे ने मेरे को भाई 2 बॉडी शॉट दी, मैंने 1 हेड शॉट दी, हिसाब बराबर कर दिया उसको। निकल जाता वो यहाँ से, और थोड़ा लूट लेता हूँ मैं यहाँ पे भाई, लेवल 2 का वेस्ट मिल जाता है। और भाई मतलब ऐसे लॉबी में लूट बिल्कुल ना के बराबर होती है, इतने सारे बैंडेज लेके घूम रहा हूँ और कुछ भी फर्स्ट एड के नाम पे कुछ भी नहीं है। फर्स्ट एड है भाई, मतलब ड्रिंक व्रिंक कुछ भी नहीं है। थोड़ा देर यहाँ पे वेट करता हूँ ब्रिज क्रॉस करने से पहले, जोन बनता है फिर निकलता हूँ मैं यहाँ पे। और भाई ब्रिज पे मतलब कोई भी फाइट वाइट नहीं हो रहा था यहाँ पे, तो आराम से निकलता हूँ जोन में, चले जाता हूँ और डायरेक्ट जोन में जाता हूँ मैं। और इधर खाली जगह था, मैंने घुसेड़ दी गाड़ी अंदर। बट दूसरे वाले में ऐसे ही जो शेड है जहाँ पे मतलब अपने एरोप्लेन वेरोप्लेन पार्क करते हैं, वहीं पे उस साइड में बंदा होता है। तो भाई गिलिच से दिख रहा था वो बंदा, बट वो डब्बे के पीछे था वहाँ पे। और भाई जोन बनता है अगला, यहाँ पे जोन में नहीं हूँ, तो सोचता हूँ जैसे जोन स्टार्ट होगा, मतलब देख लिया है मेरे को मैप में कहाँ पे जाने का है। वहाँ पे 2 वॉच टावर है छोटे छोटे, उनमें से जिसमें बंदे अगर नहीं हुए तो वो लूँगा मैं। वो बंदा पीछे स्प्रे भी देता है मेरे गाड़ी को, और आराम से भाई थोड़ा पहले रोटेशन लेता हूँ जोन स्टार्ट होते ही, यानी कि बिल्कुल जब पिछवाड़े पे जोन टच हो जाए तब। लोग भाई लेफ्ट वाले टावर पे वो जो छोटा सा वॉच टावर उससे बंदा था, इसको ले लेता हूँ मैं। अंदर एक फर्स्ट एड भी है, चलो सही है। और भाई यहाँ पे देखो दुनिया भर का लूट, यहाँ पे मैं DP उठा लेता हूँ, मतलब इतने भाई बड़े बड़े घर पे कुछ नहीं मिलता। और इधर छोटे से वॉच टावर में अगला जोन बन जाता है, और जो भाई दूसरा वाला वॉच टावर है वो भाई वो जोन के अंदर है, बट वहाँ पे फायर हो रहा, मतलब उसके ऊपर बंदा है। देखो बाइक बग्गी भी लगी हुई है यहाँ पे, तो जैसे मैं प्रोन था अंदर वो हो सकता है प्रोन है, यहाँ पे पहले पीछे भी हो रहा है। भाई इतने से सर्कल में कितने बंदे जिंदा है वो भी देख लो, तो लाजमी कि भाई हर कोने में, हर भाई शैक वैक हर डिप में बंदा होगा, तो यही मान के चलो आप। जोन स्टार्ट हो जाता है, तो इस वाले बंदे को तो मारना इजी है इस टावर पे है, बट इसके बाद जो अगला जोन बनेगा अगर यहाँ पे नहीं कटा फिर डिफ़िकल्ट होगा आपको जाने के लिए, क्योंकि भाई गाड़ी वाड़ी फूट सकती है वहाँ पे। तो जैसे तैसे यहाँ पे पहुँचता हूँ मैं, बट सामने ऊपर
एक बंदा दिखता है जिससे भाई एम के है, स्मोक स्मोक करके रेडी है, और यहाँ से उसको एंगल है तो यहाँ से उठ जाता हूँ, वापस देखता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे आता हूँ तो वहाँ पीछे से ओपन हूँ मैं, तो थोड़ा और नीचे जाता हूँ मैं, क्योंकि भाई मेरे को मारना है अभी यहाँ पे पट्टी, क्योंकि काफ़ी डैमेज दे रखा है, फाइट तो ले नहीं सकता। तो ये थोड़ा अच्छा पोजिशन दिखता है यहाँ पर, हल्का सा इधर बैठ जाता हूँ, थोड़ा पीछे से आ आगे से कवर दोनों तरफ से है। बट वो करता है भाई बंदा मेरे ऊपर नेड, यहाँ पे एक और बगी वाला आ चुका है, और भाई पीछे एक कूप भी आया हुआ है, ये नेड से भाई बाल बाल बचता हूँ। वो बंदा भाई जो बगी वाला आता है उसके ऊपर बीस जो रहता है, और वो जो कूप वाला है, मैं सोचता हूँ यहाँ तो भाई अगर फाइट हुई तो मर ही जाऊँगा, तो फर्स्ट एड पहले लगाता हूँ मैं। और भाई जो कूप वाला बंदा है उसकी जाती है फट पीछे चला जाता है वो, तो उसको देखता हूँ भाई पेड़ के पीछे चला गया वो, बट पीछे जो टावर पे था वॉच टावर, उस वो बंदा उसको मार देता है। तो अपना पीछे जो क्लियर है, सामने जो कि बगी आया था उसको उस बंदे ने मार दिया जिसपे एम के है। तो अभी भाई जोन तो है मेरे पास, लेकिन भाई आपको पीछे देखते रहना पड़ेगा, क्योंकि भाई जब तक आपके पिछवाड़े में जोन टच नहीं हो जाता उसके बाद भाई जोन के बाहर से बंदे हिल विल करके आते हैं, तो भाई तब तक देखना पड़ेगा। और सामने एक बग्गी वाला आता है, वो तो भाई बग्गी वाला जोन में है, उसको कुछ करने का नहीं है अभी, बट अपने आप को पीछे देखने का है। और ये देखो एक आ भी चुका है, इसी बंदे ने मारा था इस पेड़ वाले को, तो मैं आराम से टाइम लेता हूँ, क्योंकि भाई इसको एक ही बार में निपटाऊँगा मैं। नेट कुक करता हूँ बिल्कुल परफेक्ट वाला, एंड बूम फेंकता हूँ इसको, और ढेर ये बंदा निपट गया। और लेफ्ट में अब जो जोन है अगला भाई, इसमें ऑलमोस्ट मैं जोन के अंदर ही हूँ, बट जो लेफ्ट में बग्गी वाला है ठीक है, उसको भाई उसके ऊपर मैंने एक नेड फेंका, उसको बताया कि भाई तेरा पोजीशन भाई सबको पता है, तो वो देखता रहेगा, मतलब जो उसका दिमाग में चल रहा है वो नहीं चलेगा, बच के निकलना है वो चलेगा ठीक है उसके दिमाग में। जो जो मैंने नेड फेंका, अब वहाँ पे रुक चुका है, हल्का सा डैमेज दिया था, नेड मस्त कुक करता हूँ, बट ये भाई थोड़ा हल्का सा ओवर कुक हो जाता है और वहाँ तक पहुँच नहीं पाता। अब आना उसको जोन, वो अपने ऊपर मस्त स्मोक, तो इसको तो लपेट लिया। बचे हैं सिर्फ तीन बंदे, अब एक तो सामने एमके वाला है, और जो तीसरा बंदा है उसका नहीं मालूम, बट जल्दी वो अपना पोजीशन देता है, वो भाई यूएमपी से मारता है इस एमके वाले को। तो मैं सोचता हूँ इसको फाइट होने देता हूँ, इन दोनों में से किसी को मरने देता हूँ, फिर अगर बाद में पुश करेंगे। नेट बाड़ी तो हो रही है यहाँ पे, क्योंकि अपने पे भाई 75 HP है, क्या ही लोगे आप सामने वाले एमके वाले के साथ फाइट, तो इसलिए फाइट होने देता हूँ मैं। और जो भाई तीसरा वाला बंदा है वो भाई जोन के बाहर ही मर जाता है, और ये जो सामने एमके वाला, उसको भाई पता है कि मैं यहाँ पे हूँ, वो भाई मेरे ऊपर कुछ तो भाई मतलब पट्टी वट्टी फेंकता है मेरे ऊपर, मे बी नेड ना हो उसके ऊपर भी। बट यहाँ पे क्या है कि भाई जोन स्टार्ट हो चुका है, इस मतलब हिल बैटल वाला जोन है ये, एंड सर्कल है, तो यहाँ पे मैं सोचता हूँ हिल बैटल करूँगा, फिर एक फर्स्ट एड लगने के बाद पुश करूँगा। यहाँ पे भाई मैं बूस्टर नहीं लगाता क्योंकि है नहीं मेरे पास, और ये होता है जब बूस्टर आप नहीं लगाते हो, फुल बूस्ट रहना पड़ता है हिल बैटल करने के लिए। तो मैं यहाँ पे ये करना था कि भाई हल्का सा जोन का डैमेज ले लेना था, और भाई जब 2 सेकेंड बचे मतलब रहेंगे जोन स्टार्ट होने को, तब लगाना था मेरे को फर्स्ट एड, तो भी लग भी जाता। तो ये था भाई, फर्स्ट एड तो लगी नहीं, तो नहीं तो फर्स्ट एड मार के भाई 1v1 लेने का ट्राई करते उस एमके वाले के साथ। तो कोई नहीं भाई, सेकंड आता हूँ, हिल विल कुछ भी नहीं था इस मैच में, फिर भी मस्त जैसे तैसे करके यहाँ तक पहुँचता हूँ 3 किल के साथ। सेकेंड पोजिशन का जो प्राइस पूल है वो मिल जाता है, और बाकी बस यही था, MVP कोई और बनता है जिसके हाइस्ट किल थे। तो इतना ही था, ये था 10K सोलो टूर्नामेंट। अगर अच्छा लगे तो भाई लाइक ठोक दो फटाक से इस वीडियो पे, और ऐसे ही आते रहेंगे कि भाई और काफ़ी टूर्नामेंट है, और चैनल पे नए तो भाई सब्सक्राइब।